सर्दियों के मौसम में एक कप गर्मा गर्म मसाला चाय दिन बना देती है। तो बस आज मैं आपको बताने वाली हूँ चाय का मसाला बनाने का एकदम सिंपल और सटीक तरीका। और इस मसाले को आप आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और बस इस थोड़े से मसाले से चाय जो है ना वो इतनी लाजवाब बनती है कि पीने में मजा आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। इसमें हम डालेंगे चाय के मसाले की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हरी इलायची, ये टोटल 20 ग्राम है। 1 टेबल स्पून हमें इसमें काली मिर्च डालनी है। आप वजन से नापेंगे तो ये 10 ग्राम रहेगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे लौंग यानी कि क्लोव्स और ये 5 ग्राम है। 2 टेबल स्पून हमने ली है यहाँ पे सौंफ। अगर आपको सौंफ का फ्लेवर ज्यादा पसंद नहीं है तो आप सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। ये ली है मैंने 5 बड़ी इलायची, 3 मीडियम साइज की मुलेठी की स्टिक्स ली है, ये बहुत ही फायदा करती है हमारे गले वगैरह के लिए। 1 मीडियम साइज का जायफल लिया है जिसको कि हम नटमेग भी बोलते हैं। और ये 10 ग्राम ली है मैंने दालचीनी की स्टिक्स। तो इनको हमें थोड़ा छोटा छोटा करके इस्तेमाल करना है जिससे कि ये इजिली ग्राइंड हो जाए। तो अभी इस पैन को हम साइड में कर देते हैं और जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं ना चाय के लिए उसको अभी हम ले लेते हैं। और पहले मैं इसमें डाल दे रही हूँ जायफल और जायफल को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। साबुत जायफल को आप ग्राइंड न करें वरना मिक्सर के जो ब्लेड्स होते हैं ना वो खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रश करके हमको जायफल को इस्तेमाल करना है। तो अभी देखिए ये जो जायफल है कितने बढ़िया से क्रश हो गया है, इसको हम पैन में डाल देते हैं। अब मुलेठी को हमें इस तरीके से कूट लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लेना है। ये काफी ज्यादा हार्ड होती है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इस तरीके से तोड़ने में। मुलेठी जो है वो गले के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, गले की खराश को भी ठीक करती है और आवाज को भी बेहतर बनाती है। तो मुलेठी को हमने इस तरीके से कूट लिया है, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। अब बड़ी इलायची को कूट करके इसके दाने निकाल लेंगे। बहुत ही फायदेमंद होती है बड़ी इलायची, खांसी में भी आराम देती है, गले के लिए भी अच्छी होती है। और जब छोटे बच्चों को उल्टी या अपच होने लगती है ना तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि बड़ी इलायची को थोड़ा सा भून करके और उसके दानों को पीस करके थोड़ा सा शहद में मिला के खिलाया जाता है जिससे कि बच्चों की उल्टी वगैरह ठीक हो जाती है और अपच भी ठीक हो जाती है। इसके ये जो छिलके हैं ना इनको आप फेंके नहीं, इनको आप पुलाव वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ये जो दाने हैं ना इनको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। दालचीनी को तोड़ तोड़ कर पहले हम इसमें डाल देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा कूट लेते हैं, थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो दालचीनी जो है वो भी क्रश हो गई है। तो अभी हम पैन में मुलेठी को इस तरीके से खोल खोल कर डाल देंगे। बड़ी इलायची के दानों को डाल देते हैं और ये जो दालचीनी क्रश की है इसको भी डाल देते हैं। अब इसको हमें गैस पे चढ़ाना है। गैस को ऑन करके हमें एकदम लो फ्लेम पे रखना है और लो फ्लेम पर बस हल्का सा सेक लेंगे इनको, जिससे कि इनका जो मॉइस्चर वगैरह होगा ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। ये सारी चीजें सिक गई है अच्छे से, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। ये मैंने लिए हैं कुछ तुलसी के पत्ते मंजरी के साथ में और तुलसी की थोड़ी सी लकड़ियां भी ले ली है। तो इसको तोड़ तोड़ कर हम डाल देंगे इसमें। तुलसी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे चाय के मसाले में। अगर आपको तुलसी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें 4 टेबल स्पून सौंठ पाउडर डाल देंगे। ये लिया है मैंने केसर, तो 2 चुटकी केसर भी हम इसमें डाल देते हैं। केसर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा चाय के मसाले को।
अब मिक्स कर देंगे इन सबको, और पैन ऑलरेडी गर्म है तो गर्म पैन में ही इन चीजों को भी 1 से 2 सेकंड के लिए सेक लेना है। ये सब भी अच्छे से सिक गए हैं, तो अभी इन सारे मसालों को ठंडा होने देते हैं। सारे मसाले अब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो अभी ये छोटा वाला मिक्सर जार हमें ले लेना है और इसमें हम ये पूरा जो मसाला है ये डाल देंगे। ये जो चाय का मसाला आज हम बना रहे हैं ना, इससे चाय तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब बनेगी, साथ ही साथ ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। अब इस सारे मसाले को पीस करके हमें इसका पाउडर बना लेना है। तो ये हमने सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया चाय का मसाला तैयार हो गया है। इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक कांच का जार ले लिया है, इसमें हम अपने चाय के मसाले को भर करके रख लेंगे। आपके पास अगर कांच का जार ना हो तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें और उसमें इस चाय के मसाले को स्टोर करके रखें। तो ये हमारा चाय का मसाला रेडी है, आप इसको इजीली 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको इस मसाले का इस्तेमाल करके मसाला चाय बनाने का तरीका बताती हूँ। तो मसाला चाय के लिए हम पैन में 1 कप पानी लेंगे, गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच चाय की पत्ती। आपकी चाय की पत्ती कितनी स्ट्रांग है उस हिसाब से आप इस्तेमाल करें, मैंने 1.5 चम्मच इस्तेमाल की है। अब चाय की पत्ती को पानी में बॉईल करेंगे अच्छे से। चाय की पत्ती पानी में अच्छे से उबल गई है तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो चीनी डालने के बाद इसमें हम 1 उबाल और आने देंगे। अभी 1 उबाला आ गया है इसमें, तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। जितना पानी उतना ही दूध लेना है। अब इसमें हाई फ्लेम पर ही 1 उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ गया है तो अभी हम गैस को मीडियम लो कर देंगे और चाय को 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तीन से चार मिनट चाय पक चुकी है तो अब इस टाइम पर हम इसमें 1/4 टीस्पून जो हमने चाय का मसाला बनाया है वो डाल देंगे। 1/4 टीस्पून सफिशियंट है। अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर चाय मसाला डाल सकते हैं। अब वापस से इसमें 1 उबाल आने देंगे, जिससे कि जो हमने चाय का मसाला इसमें डाला है उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए हमारी चाय में। और चाय का मसाला डालने के बाद हमें चाय को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो अभी देखिए 1 उबाल आ चुका है इसमें बढ़िया से, तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब बस कप में हम अपनी ये मसाला चाय छान लेते हैं। तो लीजिए बस 5 मिनट में हमारी मसाला चाय जो है वो रेडी हो गई है। तो बस आप भी इस तरीके से चाय का मसाला घर पे बनाइए और चाय के मसाले का इस्तेमाल करके लाजवाब चाय बनाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।